नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 16 पृष्ठफल एवं घनफल का प्रश्न संग्रह 16.3 करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 16.3। ये प्रश्न संग्रह 16.3, उसमें पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच दी गई है, इस आधार पर लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल का सूत्र क्या होता है। सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर और एच बराबर 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं, लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या दिया गया। तो त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दिया गया है तथा उसकी ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल, तो यहाँ पे लिखोगे लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल, घनफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखोगे पाई के जगह पे 22/7 गुणे आर के जगह पे हो जाएगा 10.5 स्क्वायर है, तो मतलब दो बार लिखना पड़ेगा, 10.5 गुणे 10.5 और ऊंचाई दिया गया है 8। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, 10.5 में 7 का भाग दो, 10.5 में पहले 7 का भाग दे देते तो 7 × 1 = 7, यहाँ पे आ जाएगा 3, दशमलव लगा करके ये 5 उतारा, 7 × 5 ये आ गया 35। तो कहने का क्या मतलब है, उत्तर कितना आ जाएगा, 1.5, इसको कट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5। अब बचा क्या हमारे पास, 22 × 1.5 × 10.5 × ये आया 8। अब इसका गुणा करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुणा करते हैं, 22 में 1.5 का गुणा कर दो, तो जगह 5 × 10 80 × 5 × 10 = 11, यहाँ पे गुणा का चिन्ह 1 × 2 1 × 2, अब इसको जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 = 0 आ जाएगा। यहाँ पे तो अगर दशमलव के बाद में एक अंक है तो पीछे से एक अंक के बाद में दशमलव लगा दिया, तो कहने का क्या मतलब हो गया, ये दशमलव के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो ये कितना आ गया 33। 22 में 1.5 का गुणा करने पे आ गया 33 × 10.5 × 8। अब क्या करते हैं, 33 में 10.5 का गुणा करते हैं, यहाँ पे गुणा करो, 33 में 10.5 का गुणा करते हैं, तो जगह 5 × 15 = 16, फिर ये 0 × 0 = 0, 0 × 0 = 0, अब 1 का पारा पढ़ना है, 1 × 3 = 1, अब ये हो जाएगा 5, 6, 4 और ये आ गया 3, एक अंक के बाद में दशमलव है तो पीछे से एक अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा 346.5। अब इसमें हमको 8 का गुणा करना है, तो यहाँ पे कर दो, 346.5 में 8 का गुणा करो, 8 × 5 = 40 = 4, 8 × 48 = 52 हासिल 5, 8 × 32 = 32, 37 + 7 = 3, 8 × 3 = 24 ये आ जाएगा 27। अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद में एक अंक है तो पीछे से एक अंक के बाद में दशमलव लगाया, तो ये जो है ये यहाँ से जीरो हम लोग नहीं लिखेंगे, दशमलव के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इसका उत्तर आ जाएगा 2772, ये हो जाएगा 2772। ये घनफल पूछा है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे घन सेंटीमीटर। जब क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठफल या पृष्ठफल पूछता है तो हम लोग वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे और घनफल पूछेगा तो घन सेंटीमीटर लिखेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2772 घन सेंटीमीटर। अब हम अगला करते हैं,
दूसरे में क्या दिया गया, आर बराबर 2.5 मीटर और एच बराबर 7 मीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखेंगे, 2.5 मीटर तथा उसकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई ये कितना दिया गया है, एच बराबर 7 मीटर। अब यहाँ पे निकालना क्या है, लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल, यहाँ पे लिखोगे लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल, घनफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, दिया जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है दिया गया 2.5, तो आर स्क्वायर है तो दो बार लिखोगे तो 2.5 गुणे 2.5 और यहाँ पे एच का मान दिया गया 7। अब इसको हल करते हैं तो देखो कि कोई चीज कटता है क्या, यहाँ पे देखो कि ये 7 से ये 7 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या है 22 गुणे 2.5 गुणे 2.5। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 22 में 2.5 का गुणा करते हैं, तो 22 में 2.5 का गुणा कर दो, 5 × 10 81, 5 × 10 = 11, गुणा का चिन्ह 2 × 4 2 × 4। अब इसको जोड़ दिया, यह जगह 0 5 5, 10 के बाद में एक अंक है तो पीछे से एक अंक के बाद में 10 लग जाएगा, क्या मतलब हो गया, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 55। 22 में 2.5 का गुणा करने पे आया 55, फिर से 2.5 का गुणा करना है, अब इसमें फिर से 2.5 का गुणा करो, 2.5 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 5×5 = 25, हासिल 2, 5×5 = 25 2 = 27। अब 2 का पारा पढ़ते हैं, 2×5 = 10, हासिल 1, 2×5 = 10 = 11। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5, 7, 3 और 1, यहाँ पे 10 के बाद में एक अंक है तो यहाँ पे पीछे से एक अंक के बाद में 10 लग जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 137.5। तो ये दिया गया है ना, तो ये हो जाएगा घन मीटर, घनफल निकालना है तो घन मीटर, तो इसके उत्तर में आ जाएगा 137.5 घन मीटर। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर और एच बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग आर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई दी गई है, तो यहाँ पे लिखोगे तथा उसकी ऊंचाई, ऊंचाई बराबर एच बराबर 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, हमको घनफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखोगे लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल, क्या है घनफल का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान रखो 22/7 गुड़े आर कितना दिया गया 4.2, ये देखो आर स्क्वायर दिया गया तो मतलब 4.2 गुड़े 4.2 हो जाएगा और एच दिया गया 5। अब इसमें से कोई चीज कटेगा क्या, देखोगे ये 7×42 हो जाता है तो यहाँ पे 0.6 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं, क्या क्या बचा हमारे पास, 22 × 0.6 × 4.2 × 5। अब इसका एक एक करके गुणा करते हैं, सबसे पहले 22 में 0.6 का गुणा करो, 22 में 0.6 का गुणा किया, 6×12 हासिल 1 × 12 = 13 और यहाँ पे 0 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ये 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1, एक अंक के बाद में 10 तो ये कितना हो जाएगा 13.2। तो देखो 22 में 0.6 का गुणा करने पे आ गया 13.2 गुणे, अब है 4.2 गुणे 5 ही बचा हुआ है। अब क्या करते हैं, 13.2 में 4.2 का गुणा करते हैं, इसमें 4.2 का गुणा कर दो
दो दिनी चार, दो तिहाई छह, दो एक कम दो, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाओ, चार दुनी आठ, चार तिहाई बारह, बारह का दो हासिल एक, चार एक कम चार एक पांच। अब इसको जोड़ दो, यह जगह चार छह आठ चौदह, चौदह का चार हासिल एक, दो दो चार एक पांच, और ये आ गया पांच। अब यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में एक अंक है, एक अंक इधर भी है, तो एक एक कितना हो गया दो, तो पीछे से दो अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा। इसका गुणा करने पे कितना आया, पचपन दशमलव चार चार। अब इसमें क्या करना है, पांच का गुणा करना है। अब यहाँ पे पांच का गुणा करते हैं, तो यह जाएगा पांच चौक बीस हासिल दो, पांच चौक बीस दो बाईस, बाईस का दो हासिल दो, पांच पच्चे पच्चीस, पच्चीस दो सत्ताईस, सत्ताईस का सात हासिल दो, पांच पच्चे पच्चीस, पच्चीस और दो सत्ताईस। अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद में दो अंक है, तो पीछे से दो अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा 277.20, और ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर में दिया गया ना, तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में आएगा 277.20 घन सेंटीमीटर। अब हम अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, आर बराबर 5.6 सेंटीमीटर और एच बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर आर बराबर 5.6 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई दिया गया, तथा उसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या दिया गया है, एच बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल। यहाँ पे लिखेंगे लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल क्या आएगा, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना है, 22/7 गुणे आर कितना दिया गया, 5.6 गुड़े 5.6 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे वर्ग है गुड़े, यच कितना है 5। अब इसका गुणा करते हैं, तो सबसे पहले देखोगे कटेगा क्या, देखो 7 8 56 यह जगह 0.8। अब यहाँ पे जो बचा है वो लिखेंगे 22 × 0.8 × 5.6 × 5। अब इसका गुणा करते हैं, सबसे पहले 22 में 0.8 का गुणा करो, 22 में 0.8 का गुणा किया तो कितना जाएगा, 2 8 16 हासिल एक, 2 8 16 1 17, 0 × 0 0 × 0। अभी ये जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6 7 1। अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद में एक अंक है, तो पीछे से एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा 17.6 × 5.6 × 5 ऐसा हो जाएगा। अब 17.6 में 5.6 का पहले गुणा करते हैं, 5.6 का गुणा करो, 6 6 36 हासिल 3, 6 7 42 बयालीस 3 45 हासिल 4, 6 1 6 6 4 10। अब 5 का पारा पढ़ते, 5 6 30 30 का 0 हासिल 3, 5 7 35 3 38 हासिल 3, 5 1 5 5 3 8। अब इसको जोड़ दो हो जाएगा 6 5 8 और ये आ गया 9। वे देखो दशमलव के बाद में एक अंक, दशमलव के बाद में एक अंक, मतलब पीछे से दो अंक के बाद में दशमलव, ये दोनों का गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 98.56 × 5। अब ये 5 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 5 से गुणा करो, 5 6 30 हासिल 3, 5 5 25 25 3 28 हासिल 2, 5 8 40 40 2 42 42 का 2 हासिल 4, 5 9 45 45 और 4 49 आ गया। अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद में दो अंक है, यहाँ पे पीछे से दशमलव के बाद में दो अंक लगा देना है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 492.80 घन सेंटीमीटर। इसका उत्तर आ जाएगा 492.80 घन सेंटीमीटर। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो, 492.80 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, घन सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। अब हम अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है, 90 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले
लोहे की सरिया बनाने में लगने वाले लोहे का घनफल ज्ञात करो। यहाँ पे देखोगे लंबाई दिया गया, लंबाई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उसकी ऊंचाई हो गई, उसकी हाइट हो जाएगी, यच हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या दिया गया वो लिखते हैं, लोहे के सरिया का व्यास दिया गया है। व्यास क्या होता है, डी होता है, ये दिया गया 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखोगे हमको क्या निकालना है, घनफल निकालना है, तो घनफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब हमको आर का वैल्यू चाहिए, आर का वैल्यू पहले निकालो, मतलब यहाँ पे त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए त्रिज्या बराबर आर बराबर डी बटे दो होता है। डी का मान हमको दिया गया 1.4/2। अब इसको कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.7, तो ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये क्या आया, ये आ गया हमारा त्रिज्या, मतलब आर आ गया। और क्या दिया गया है, तो यहाँ पे लिखोगे तथा उसकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई कितना दिया गया है, एच बराबर 90 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, घनफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे लोहे के सरिया का घनफल, तो घनफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे पाई का मान रख दिया 22/7 गुणे आर का मान कितना आया है 0.7, दो बार है तो इसको दो बार लिखोगे, वर्ग है ना, और ऊंचाई कितना है 90 है। अब इसको हल कर लो, ये देखोगे 7 से ये कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, 7 × 7 मतलब आ गया 0.1। तो 22 में सबसे पहले 0.1 का गुणा करेंगे, जितना आएगा उसमें 0.7 का गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 90 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करते हैं, 22 में 0.1 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 × 22, और यहाँ पे 2 0। अब इसको जोड़ दो तो यह जाएगा 2 2, और यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पे देखोगे पीछे से एक अंक के बाद में दशमलव, तो ये एक अंक के बाद में दशमलव लग गया, तो ये क्या हो गया, 2.2 आ जाएगा। तो ये जाएगा 2.2 गुणे 0.7 गुणे 90, इस तरीके का बनेगा। अब क्या करते हैं, 2.2 में 0.7 का गुणा करते हैं, तो ये जाएगा 7 × 14 हासिल 1 7 × 14 1 15। यहाँ पे 0 × 0 0 × 0, अभी इसको जोड़ दो तो जाएगा 4 5 1। अब यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में एक अंक, दशमलव के बाद में एक अंक, पीछे से दो अंक के बाद में दशमलव लगा दोगे तो कितना हो जाएगा 1.54। तो यहाँ पे लिखोगे 1.54 गुणे 90, अब इसमें 90 का गुणा करना है, यहाँ पे 90 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 0 × 0 0 × 0 0 0 1 0। अब 9 का गुणा करो, 9 × 36 हासिल 3 9 × 45 3 48 हासिल 4 9 × 9 9 4 13। अब ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 86 0, ऐसा आ गया। अब दशमलव के बाद में दो अंक है तो पीछे से दशमलव के बाद में दो अंक, ये कितना आ जाएगा 138.60। यहाँ पे लिखोगे 138.60, ये क्या आ जाएगा, घन सेंटीमीटर, यही तो आएगा ना उसका घनफल 138.60 घन सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, लोहे के सरिया बनाने में लगने वाले लोहे का घनफल 138.60 घन सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, लंब वृत्ताकार बेलन के आकार वाले किसी हौज का आंतरिक व्यास 1.6 मीटर तथा उसकी गहराई 0.7 मीटर है, तो उस हौज में अधिक से अधिक कितना पानी भरा जा सकता है, कितना पानी भरा जा सकता है का मतलब क्या हो गया, इसका हमको सबसे पहले घनफल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे इसमें भी दिया गया आंतरिक व्यास दिया गया, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, व्यास दिया गया तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा।
यहाँ पे लिखोगे हौज का आंतरिक व्यास कितना दिया गया है, डी बराबर 1.6 मीटर। जब व्यास दिया गया तो त्रिज्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखोगे त्रिज्या बराबर आर बराबर डी बटे 2, तो हो जाएगा 1.6/2। अब इसको भाग दोगे तो यह कितना हो जाएगा 2/16, कहने का क्या मतलब है, यह हो जाएगा 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया इसकी त्रिज्या आ गई। और क्या दिया गया है, उसकी ऊंचाई मतलब जो गहराई दिया गया है वही ऊंचाई बनेगी, उसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया गया है मतलब गहराई कितना दिया गया है, 0.7 मीटर। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हौज का घनफल निकालते हैं। यहाँ पे लिखोगे हौज का घनफल, हौज का घनफल क्या होता है, सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह पे हो जाएगा 22/7 गुड़े आर, आर है 0.8 गुड़े 0.8, दो बार लिखना है, और ये हो जाएगा 0.7। अब यहाँ पे देखोगे 7 से 1 कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 0.1। अब यहाँ पे 22 में 0.8 का गुणा करना है, फिर जितना आएगा उसमें 0.8 का गुणा करना है, फिर जितना आएगा उसमें 0.1 का गुणा करना है। अब यहाँ पे 1-1 का गुणा करते हैं, 22 में 0.8 का गुणा करो तो जाएगा 8 × 16 8 × 16 117। 0 का पारा पड़ते हैं, 0 × 0 0 × 0। अब इसको जोड़ दो तो हो जाएगा 6 7, और यहाँ पे आया 1, 1 अंक के बाद में दशमलव है तो पीछे से 1 अंक के बाद में दशमलव लगेगा तो कितना जाएगा 17.6 हो जाएगा गुड़े 0.8 गुड़े 0.1। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 17.6 में 0.8 का गुणा करना है, फिर जितना आएगा 0.1 का गुणा करना है। अब यहाँ पे देखोगे 17.6 में पहले 0.8 का गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 8 × 6 = 48, 48 × 8 = 4, 8 × 7 = 56, 56 × 4 = 60, हासिल 6, 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 14, और 0 का पारा पड़ोगे तो वही आएगा 0, तो ये हो जाएगा 8 0 4 1। अब यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 1 अंक, दशमलव के बाद में 1 अंक, मतलब पीछे से दशमलव के बाद में 2 अंक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे इस कितना आ गया, 14.08 में 0.1 का गुणा करना है। अब देखो 1 का गुणा करोगे तो वही आता है, देखो यहाँ पे 0.1 का गुणा करोगे तो वही आएगा 1 × 8 1 0 0, 1 × 4 1 × 1, और यहाँ पे 0 का पारा पढ़ोगे तो वही आएगा, तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा 8 0 4 1 और ये 0। दशमलव के बाद में 2 अंक, दशमलव के बाद में 1 अंक, मतलब पीछे से दशमलव के बाद में 3 अंक हो जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1.408। ये आ गया घन मीटर, ये तो घन मीटर आ गया। यहाँ पे क्या बोला गया है, अधिक से अधिक कितना पानी भरा जा सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दोगे ये घन मीटर में आया है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया पानी भरा जा सकता है, इसका मतलब हमको इसको किस में लिखना पड़ेगा, लीटर में लिखना पड़ेगा, पानी लीटर में मापते हैं, यहाँ पे लिखोगे 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, ये आप लोगों को पता है, यहाँ पे लिखोगे इसलिए 1.408 घन मीटर बराबर ये कितना हो जाएगा 1000 में 1.408 का गुणा करना पड़ेगा, इसका गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1408 लीटर आ जाएगा, इसका गुणा करने पे कितना आ जाएगा 1408 लीटर, तो इसके उत्तर में लिखोगे हौज में अधिक से अधिक 1408 लीटर पानी भरा जा सकता है, भरा जा सकता है।
कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोगों को उसका घनफल निकाल लेना है, जब घनफल निकल जाएगा तो उसको हमको लीटर में कन्वर्ट कर देना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो उसका घनफल कितना होगा। तो यहाँ पे देखोगे ऊंचाई तो हमको दिया गया है, यहाँ पे परिधि दिया गया है और हमको आर निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे आर तो हमको दिया ही नहीं गया तो यहाँ पे पहले आर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि दिया गया है 132 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो यहां पे लिखोगे आधार की परिधि, आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है पहले वो ढूंढो। आधार क्या होता है, वृत्ताकार का होता है, मतलब गोलाकार होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे परिधि दिया गया हमको 132 बराबर 2×22/7 गुड़े ये आ जाएगा r। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं तो ये देखो कि 7 से भाग हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 132×7 हो जाएगा और यहाँ पे आया 2×22×r। अब आप देखोगे ये वाला जो भाग है वो r से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 132×7 बटे में आ जाएगा 2×22 बराबर ये आ जाएगा r। अब यहाँ पे देखते हैं ये कटता है क्या, तो देखोगे 22×6 132 होता है, 6 बार में कट गया, फिर ये 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा तो 2×3 6 हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 3×7 बराबर r, इसलिए r बराबर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। ये तो आ गया r। अब हमको ऊंचाई दिया गया है तथा उसकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई हमको दिया गया है h बराबर 25 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं घनफल, तो यहाँ पे लिखोगे लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल, घनफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 22×7×r जो दिया गया 21, तो 21×21 दो बार लिखेंगे, एच दिया गया 25। अब यहाँ पे कट करो, देखोगे ये 7 के पहाड़े से ये कट हो गया 7×3×21, बचा क्या हमारे पास 22×3×21×25। अब यहाँ पे देखो कि 22 तिया कितना होता है 66×21×25। अब यहाँ पे 66 में 21 का गुणा करते हैं, 66×21 करते हैं, 1×6 6 1×6 6 2×12 हासिल 1 2×12 1×13 हो जाएगा 6 8 3 1, ये कितना आ गया 1 3 8 6 गुड़े। अब किसका करना है, 25 का गुणा करना है, यहाँ पे 25 का इसमें गुणा कर दो तो जाएगा 5×6 30 हासिल 3 5×8 40 40×3 43 हासिल 4 5×3 15 4×19 हासिल 1 5×1 5×1 6। अब किसका गुणा करना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2×12 हासिल 1 2×8 16 1×17 हासिल 1 2×3 6 1×7 2×1 2। अब इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 0 3×2 5 9×7 16 हासिल 1 7×6 13 1×14 हासिल 1, ये आ गया 34,650। ये कितना जाएगा 34,650 ये घन सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल 34,650 घन सेंटीमीटर है, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं, यहाँ पे देखो इसको हमको भरना है, ये दिया गया घन, यहाँ पे आकार दिया गया, पृष्ठ दिया गया, शीर्ष बिंदु दिया गया और कोण दिया गया,
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पृष्ठ क्या होता है। आप लोगों ने साथियों में भी भरा है, इसको भी भर लेना। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे किसी भी घन में 6 पृष्ठ होते हैं ना, चारों साइड का और एक ऊपर का एक नीचे का, तो 6 हो गया। अब यहाँ पे शीर्ष बिंदु कौन कौन सा है, देखो ये वाली बिंदु, ये वाली बिंदु, ये वाली बिंदु, ये वाली बिंदु, ये वाली, ये वाला, ये वाला और ये वाला, कुल मिलाकर के हो गया 8 बिंदु। अब यहाँ पे कोर देखना है ना, तो हम लोग कोर कैसे देखते हैं, देखो ये एक कोर हो गया, दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा और ये बारहवा। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें कितनी कोरें आएंगी, 12 कोरें आएंगी। तो उसी तरीके से देखोगे, इसका भी ध्यान से देखोगे तो इसमें भी वैसे ही दिया गया घनार्घ में, 1, 2, 3, 4 ये रहा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये क्या हो गए, 12 कोरे दी गए। अब हमको क्या ढूंढना है, शीर्ष बिंदु ढूंढना है ना। देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 8 इसकी हो जाएगी शीर्ष बिंदु। अब पृष्ठ ढूंढना है, पृष्ठ में मतलब देखोगे चारों साइड में 4 है, एक ऊपर एक नीचे, ये हो जाएगा 6। अब उसी तरीके से त्रिभुजाकार प्रिज्म का ढूंढना है, तो सबसे पहले हम लोग कोर ढूंढते हैं, कितना कोर है, 1, 2, 3, 4 ये पीछे से आया, 5, 6, 7, 8 और ये 9 टोटल कितना कोर हो गया, 9 कोर हो गया। अब क्या निकालते हैं, शीर्ष बिंदु निकालते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 शीर्ष बिंदु कितनी आ गई, 6 आ गया। अब यहाँ पे हमको क्या निकाला, पृष्ठ निकालना है ना। देखो अगर त्रिभुज आकार का है तो 1, 2 और ये सामने से आ गया 3 और यहाँ पे एक ऊपर आया, एक नीचे आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5। अब त्रिभुजाकार पिरामिड का निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कोरे कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाला 1 आ गया 6 ये कोर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो शीर्ष बिंदु कितना है, 1, 2, 3 और ये रहा 4 ये आ गया हमारा 4। अब क्या बोलेगा, पृष्ठ पूछा गया, तो देखो 1, 2, 3 सामने से दिख रहा है, एक इसके पीछे साइड भी है, तो ये भी आ जाएगा 4। यहाँ पे देखोगे इसने कोरे निकाल करके दिया गया, मतलब कितना कोर है ये निकाल करके दिया गया है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले शीर्ष बिंदु ढूंढना है, तो देखोगे 1, 2, 3, 4 और ये 5 ये 5 शीर्ष बिंदु हो गया और एक ये यहाँ पे आ गया, यह आ जाएगा 6। अब इसमें पृष्ठ कितना है, देखोगे जब 5 शीर्ष बिंदु है तो ये 5 पृष्ठ ऊपर के हो जाएंगे और एक नीचे का, इसमें भी आ जाएगा 6 पृष्ठ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे षटभुजाकार प्रिज्म का दिया गया है, षटभुजाकार का मतलब 6 भुजा हो गए, तो यहाँ पे देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ऐसे हो गया और एक ऊपर का है और एक नीचे का पृष्ठ होता है। शीर्ष बिंदु कितना हो जाएगा, देखोगे 1, 2, 3 ये पीछे 4, 5, 6 और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6। तो 6, 6 कितना हो जाएगा, 12 इसका शीर्ष बिंदु हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, कोर निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर का निकालते, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये आ गया 6। उसी हिसाब से इसका भी रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6, 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 1 फिर ये पीछे से और ये आगे से, 2, 3 हो गया, 4 और ये 5 और ये 6 मतलब 6, 6, 12, 6, 18 आएगा। अब यहाँ पे देखोगे इसको ध्यान से देखोगे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीचे है, 6 नीचे है तो 6 ऊपर भी है और यहाँ पे भी देखोगे ये 6 हो जाएगा, तो 6, 6, 12, 6, 18 हो जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 16.3 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।